फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रुचि फ्रेश। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डिलीशियस मैदे की मिठाई। आप सभी दोस्तों को रुचि फ्रेश परिवार की तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। तो चलिए दोस्तों, इस मैदे की मिठाई को बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, रक्षाबंधन स्पेशल स्वादिष्ट और सस्ती मैदे की मिठाई बनाने के लिए आपको यूज करना है 100 ग्राम चीनी, 100 ग्राम देसी घी, 200 ग्राम मैदा, 1 चम्मच किशमिश, 1 चम्मच बादाम, तरबूज के बीज, आधा चम्मच छोटी इलायची, 1 बड़ा चम्मच नारियल का बुरादा, 1 चम्मच पोस्ता का दाना, 1 छोटी कटोरी खोया। चलिए बढ़ते हैं पैन की तरफ। फ्लेम ऑन करके सबसे पहले पोस्ता के दाना को ड्राई ही रोस्ट कर लीजिए। हल्की आवाज आने लगती है, समझ लीजिए रोस्ट हो गए हैं। इसे निकाल लीजिए। अब पैन में आधा चम्मच ऑयल डालकर बादाम, किशमिश, तरबूज के बीज फ्राई कर लीजिए। ये रोस्ट हो गए हैं, इसे निकाल लेते हैं। ऑयल डालते हैं, ऑयल गर्म हो गया। अब इसमें आप ऐड कीजिए मैदा, छना हुआ मैदा रखना चाहिए। फ्लेम लो टू मीडियम रहेगा। इसी समय हम इसमें खोया भी ऐड कर देते हैं। अब इन सबको लाइट गोल्डन कर लेते हैं। अब इसमें हम नारियल का बुरादा भी ऐड कर देते हैं। इसे भूनने में लगभग 5 से 6 मिनट लगते हैं। छोटी इलायची, फ्लेम एकदम लो रखिएगा, वरना ये रेड हो जाएंगे। लो फ्लेम पर आपको इन्हें भूनना है। अब इन्हें एक प्लेट में निकाल लीजिए। अब जिस प्लेट में इसे जमाना हो उसे घी से ग्रीस कर लेते हैं। इसे घी से ग्रीस कर लिया है, एक साइड रख दीजिए। अब पैन में चीनी और पानी डाल के इसका एक तार की चाशनी बना लेते हैं। फ्रेंड्स, मैदा अगर आपका 200 ग्राम है तो चीनी इसमें लगभग 300 ग्राम लगेगा। हमने और चीनी लिया हुआ है। इसकी एक दाग की चाशनी बनाना है। चाशनी में बबल्स आने लगे हैं। चलिए फ्लेम एकदम लो कर देते हैं, इसे चेक कर लेते हैं इसकी एक तार आ रहे हैं या नहीं। ये देखिए हल्के हल्के तार आ रहे हैं। चलिए फ्लेम बंद कर देते हैं। फ्लेम बंद करके अब इसमें सभी सामग्री को मिक्स कर लीजिए। अभी फ्लेम ऑन नहीं करना है, पहले इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे सभी मिश्रण को। अब फ्लेम ऑन नहीं करना है, इसे इसी तरीके से चलाते रहिए जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। कुछ देर में ये अपने आप गाढ़ा हो जाएगा, जमने लगेगा।
देखिए ठंडा हो रहा है, जैसे जैसे ये ठंडा होगा गाढ़ा होता जाएगा। जमने की कंसिस्टेंसी पर आ गया है। फटाफट सेट कर दीजिए। गार्निश करने के लिए मेवे रखे हुए हैं, इसे भी लगा देते हैं। हाथ से सही कर दीजिए आप, ये गर्म है। तरीके से चाकू से इसे कट कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसे आपको सर्विंग प्लेट में निकाल कर दिखाते हैं। फ्रेंड्स, फाइनली हमारी ये डिलीशियस मैदे की मिठाई बनकर तैयार है। दोस्तों, आप सभी दोस्तों को रुचि फ्रेश परिवार की तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, बाय।